हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज के सेकंड टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रेन का टिकट बुक करने का जो है सबसे आसान तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप टिकट बुक करें जो बिल्कुल आसानी से हो जाए। कोई भी लोग इस ट्रिक से, जो ट्रिक आज मैं बताने वाला हूं आपको, इससे टिकट बुक कर सकते हैं कहीं का भी टिकट बुक करना हो आपको। तो और कौन सा एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर टिकट बुक करने के लिए। क्योंकि जब भी टिकट बुक करना होता है तो जिनको टिकट बुक करना नहीं आता तो वो काउंटर पे जाते हैं, काउंटर पे जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइन लगी होती है जिसके लिए 2 से 3-4 घंटा आपका ख़राब हो जाता है। उसके बाद अगर आपको खुद से टिकट बुक करना नहीं आता तो फिर किसी शॉपकीपर, किसी दुकान वाले के पास जाते हैं तो वहाँ से भी अगर टिकट बुक कराते हैं आप तो वहाँ भी जो है आपको अच्छा खासा पैसा पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, तब वो टिकट बुक करके आपको देते हैं। लेकिन आज आपको जो मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ इससे आप आसानी से किसी भी रूट का टिकट बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं। और कैसे आप बनाएंगे तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे भी आपको IRCTC से रिलेटेड आपको नई नई जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिस एप्लीकेशन का नाम है ट्रेन मैन, या फिर आपको जो है बहुत सारे एप्लीकेशन है आपको जिससे आप टिकट बुक कर सकते हैं। IRCTC रेल कनेक्ट ऐप है या फिर ट्रेन मैन है या और भी बहुत सारा है, अनदर बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। लेकिन आपको सबसे जो आसान और सिंपल जो तरीका मैं बताने वाला हूँ टिकट बुक करने का, वो जो एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ, इस एप्लीकेशन का नाम है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, जो कि मैंने डाउनलोड कर रखा है आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा है। इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा IRCTC रेल कनेक्ट ऐप का। इसको आपको सबसे पहले ओके कर लेना है। जैसे ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर एक होम पेज खुल करके आ जाएगा। होम पेज खुल कर आने के बाद में आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपका एक जो है टिकट बुक करने के लिए आपको एक IRCTC का एक यूज़र ID पासवर्ड एक क्रिएट करना पड़ता है, एक अकाउंट बनाना पड़ता है आपको रेलवे का टिकट बुक करने के लिए। वो आपको होना चाहिए, आपके पास मस्ट है, ये ID आपको पास बना हुआ होना चाहिए। अगर आपको नहीं बना हुआ है तो आपको मैं जो है पिछले वीडियो में जो है इसका वीडियो बना करके डाल रखा है, आप वहाँ से आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं कैसे हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं IRCTC के लिए टिकट बुक करने के लिए। तो अगर आपने अपना IRCTC अकाउंट बना रखा है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आके लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने जो अपना IRCTC बना रखा है मैंने लॉगिन कर रखा है। यहाँ पे आपको करना क्या है, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल देना है आपका। मैं आपको जो है यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। आपका इस तरह का पेज खुल करके आ जाए जैसे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले आपका जो यूज़र नेम होगा, ये यूज़र नेम आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम डाल देंगे। यूज़र नेम डालने के बाद में आपको नीचे एक पासवर्ड डालना है, जो आप पासवर्ड बनाएंगे अपना। पासवर्ड डालने के बाद में आपको नीचे कैप्चा फिल करना है आपको, जो कैप्चा शो कर रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ डाल देना है। कैप्चा डालेंगे इसके बाद फिर आपको यहाँ पे फ्रेंड्स लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने जो है लगता है गलत डाल दिया है, तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड दोबारा डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है सही से। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको यहाँ पे सेव करने के लिए ऑप्शन कह रहा है, पासवर्ड को आप यहाँ सेव कर सकते हैं। पासवर्ड सेव कर लेंगे तो आपको जो है बार बार पासवर्ड यूजर नेम डालने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपने डाल दिया और जब भी आप टिकट बुक करेंगे तो आपको सिर्फ एक जनरेट जो पिन दिखा रहा है आपको सिर्फ पिन जनरेट कर लेना है यहाँ पे, वो पिन आप डालेंगे आपका जो है एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है पासवर्ड सेव करने के बाद में अपने यहाँ पे पिन डाल देते हैं 4 डिजिट का, कोई सा भी आसान सा आप अपना डाल सकते हैं अपने हिसाब से। इसका सबमिट कर देना है आपको। सबमिट करने के बाद में अभी आपका जो है ये पेज खोल करके आ गया, इसका होम पेज जो है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप का। अब यहाँ से आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पर ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए आपको ट्रेन पर क्लिक कर लेना है। ट्रेन का टिकट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बुक टिकट पर क्लिक करना है। बुक टिकट पर करने के बाद में अब यहाँ पर आपको फॉर्म पर आप कहाँ से टिकट बनाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर नई दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। नई दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो है यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है, आप जहाँ के लिए टिकट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर देता हूँ HYB हैदराबाद का।
हैदराबाद का मैंने जो है यहाँ देख लीजिए, न्यू दिल्ली से हैदराबाद मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे आपको क्लास शो कर रहा है, यहाँ पे कोटा शो कर रहा है, तो यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर लेना है आपको। तो मैं यहाँ पे 20 अक्टूबर का डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लास जनरल रहने देता हूँ। उसके बाद नीचे सर्च ट्रेन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप सर्च ट्रेन पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए जितनी भी ट्रेनें होंगी हैदराबाद के लिए दिल्ली से, जिस डेट में आपने सर्च किया है 20 अक्टूबर में, आपके सामने सारी ट्रेन यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर चाहे तो स्क्रॉल करके इसको आगे देख सकते हैं ऊपर नीचे करके। अब मैं इसमें देखता हूँ, मेरे लिए सबसे अच्छी ट्रेन है टाइम के हिसाब से, मैं तेलंगाना एक्सप्रेस का 3rd AC क्लास सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे हमने जो 3rd AC क्लास सेलेक्ट किया, यहाँ देख लीजिए 20 अक्टूबर को 72 सीट खाली दिखा रहा है। अब मुझे इसमें बुक करना है। अब इसको जो है मेरे को 72 सीट दिखा, 20 अक्टूबर मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे नीचे पैसेंजर डिटेल क्लिक जो दिखा रहा है आपका, पैसेंजर डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज आ रहा है, इसको आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये कि आपका जो है तेलंगाना एक्सप्रेस है न्यू दिल्ली से हैदराबाद के लिए आपने जो है सेलेक्ट किया है, 20 तारीख को चलेगी आपकी न्यू दिल्ली से, 21 तारीख को हैदराबाद अभी पहुँचा देगी, इसमें 72 सीट खाली है। अब यहाँ पर अपना पैसेंजर डिटेल डाल दें तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, जहाँ पे आपका जो नाम है। आप यहाँ पे नाम डालने के बाद में जो है नीचे आपको एज डाल देना है। एज डालने के बाद में आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल जो भी है। तो मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया है। नेशनलिटी पे आप सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि इंडिया है, पहले से सेलेक्ट किया हुआ है ये। आपको बर्थ पे सेलेक्ट कर लेना है, कोई चाहे बर्थ आपको चाहिए, लोअर मिडिल अपर साइड अपर साइड लोअर सारा इसमें आ रहा है। तो अभी मतलब कोई एक सा चूज़ कर सकते हैं। ये चूज़ करने का मतलब ये नहीं होता फ्रेंड्स, आपको यही मिलेगा सीट जो आपने चूज़ किया। इसमें सीट कुछ भी दे सकता है, रेलवे के हाथ में होता है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर और भी लोग एक से ज़्यादा लोग और सफ़र कर रहे हैं तो आप यहाँ नीचे पर ऐड न्यू करके फॉर्म भरते चले जाएंगे, तो आपका ये जो है फॉर्म फिल होता जाएगा सारा। जब भी आपका सारा फॉर्म फिल हो जाए तो आपको नीचे मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आ रहा पेमेंट मेथड, इसमें से पेमेंट आपको कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, या तो भीम UPI या फिर पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको ट्रेवल इंश्योरेंस पे क्लिक कर देना है, यस जो मैंने कर रखा है। अब यहाँ पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे जो दिख रहा है रेड कलर से रिव्यू जर्नी डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप जर्नी डिटेल पर क्लिक करेंगे अब आपको ये सारा डिटेल दिखा रहा है कि आपने जो भी फॉर्म फिल किया है ये लास्ट है, आप यह देख लें। इसके बाद फिर आपको चेंज नहीं हो सकता, अगर यहाँ से आपको चेंज करना है तो यहाँ से हो सकता है चेंज, लेकिन जब यहाँ पर कोई गलत हो गया आपने ध्यान नहीं दिया तो टिकट बुक होने के बाद फिर आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा, उसमें फिर आपको चार्ज कटेगा। तो यहाँ पर आप एक बार रिव्यू कर लें अपना सारा डिटेल, अगर सब चीज़ ठीक है आपका तो स्क्रॉल करके आप यहाँ पर अपना कैप्चा फिल कर दें, जो भी कैप्चा यहाँ शो कर रहा है। तो यहाँ मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे क्लिक करना है। उसके बाद एक अलर्ट का मैसेज आ रहा है, इसको यस कर देना है आपको, यहाँ यस करना है। यस करने के बाद में जो नेक्स्ट काम है, अब आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है, आपको पेमेंट कैसे करना है। इसमें देख लीजिए बहुत सारा पेमेंट का ऑप्शन है, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन है, वॉलेट है, पे लेटर है, EMI है। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है मेरा पेटीएम वीज़ा रुपए वॉलेट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप पे पे क्लिक करेंगे, पे पे क्लिक करने के बाद में जो है आपका ये सीधा ले जाएगा ऑप्शन आपको कि आप किस चीज़ से पेमेंट इस पे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, जो भी ऑप्शन है आपके पास में, आप जिस चीज़ से आपको ईजी लगता है पेमेंट करना आप उस चीज़ से अपना पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं आसानी से। पेमेंट करने के बाद में आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अभी ये थोड़ा स्लो खुल रहा है, जैसे ये पेमेंट का पेज ओपन होता है यहाँ से आपको पेमेंट करना है, आपका सारा कार्ड का डिटेल वगैरह डालना है, आपका डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो या कोई सा भी कार्ड हो आपके पास में उसका डिटेल डालना है, या अगर आप UPI करना चाहते हैं तो UPI ID आपको डालनी है। उसके बाद आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं यहाँ से पेमेंट कर करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, जैसे पेमेंट का पेज खुल करके आ गया, यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है पेमेंट पेटीएम का। उसके बाद आपको यहाँ पे चाहे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या नहीं तो फिर अपना डेबिट कार्ड का डिटेल यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ डिटेल आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड का आपको डिटेल यहाँ पे डाल देना है। डिटेल डालने के बाद में जो है आपको कार्ड का नंबर डालना है, मंथ ईयर डालना है, CVV नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे जो है मैं पेटीएम का जो है डिटेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। आप यहाँ पर अपना नंबर डालने के बाद में इसको प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। आपके रजिस्टर्ड नंबर पे OTP भेजा जाएगा, जैसा कि OTP मेरे पास आ चुका है। OTP यहाँ पे आपको डाल देना है।
OTP डालने के बाद में आपको यहाँ पे एक वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद में अब यहाँ पे देख लीजिए आपका जो है पासकोड मांग रहा है, जो आपने पेटीएम से पेमेंट करने के लिए ऑप्शन चूज़ किया था, यहाँ से आप अपना पासकोड यहाँ डाल देंगे। पासकोड डालते ही आपका अकाउंट से पेमेंट कट जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपका स्क्रीन पे टिकट बुक होकर आ जाएगा। अब वहाँ से फिर आप अपना टिकट बुक करके फिर आप कहीं भी अपना सफ़र जहाँ कभी आपको करना हो वहाँ सफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टिकट बुक नहीं कर रहा हूँ, अब यहाँ से मैं बैग चला जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आप ये टिकट कैसे आपका बुक होकर के आ जाएगा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में, क्योंकि मैंने जो है टिकट एक पहले से बना रखा है। तो मैं आपको वहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ से आप आएंगे फिर होम स्क्रीन पर, अपने इसके होम पेज पर आ जाने के बाद में आप यहाँ से फिर माई ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे। माई ट्रांजेक्शन पर क्लिक करने के बाद में अपना माई बुकिंग का पेज खोलेंगे आप। तो माई बुकिंग पे जो भी आप टिकट बुक कर रहे होंगे यहाँ पे आपको सारा टिकट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसमें से आप जो है जैसे ही आप देख रहे हैं ये टिकट है, हमने ये टिकट खोल दिया है। ये टिकट ओपन होने के बाद में आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नहीं तो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो इसका प्रिंट निकलवा करके आप अपना ट्रैवल कर सकते हैं पूरा जहाँ भी आपको जाना हो। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आप इसको कैंसिल भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है ऊपर में 3 डॉट जो दिख रहा है आपको, यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके आप यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है कैंसिल टिकट का, यहाँ पे आप क्लिक करके इस टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। जो कैंसिलेशन चार्ज होगा आपको कैंसिलेशन चार्ज कट करके आपके अकाउंट में आपका पैसा 2 से 4 दिन के अंदर अंदर रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपना टिकट आसानी से इस एप्लीकेशन से टिकट बुक कर सकते हैं और अपना सफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी जानकारी आपके लिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।